नमस्कार। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। मेरे साथ जो आज बैठे हैं वो अपने आप में परिचय के मोहताज नहीं है। सर का नाम आकाश सैनी सर है, जो वर्तमान के अंदर इतिहास व्याख्याता के रूप में कार्य कर रहे हैं, और लैब असिस्टेंट बनने के बाद इनकी 4 नौकरी लग चुकी है। आज हम लोग जो है इस परिचर्चा के अंदर सर से लैब असिस्टेंट बनने से पहले और बनने के बाद की जो पूरी कहानी है, जो पूरा सफ़रनामा है, इनके बारे में बात करेंगे। और आप सभी से दरख्वास्त है, चैनल पर पहली बार आएँ, सब्सक्राइब करें, और हम लोगों ने ये सेशन आपके मोटिवेशन और आपके अंदर सुधार और आपकी जो तैयारी को वाकई जो है अल्टीमेट सिलेक्शन तक ले जाने के लिए इस तरह के हम बार बार सेशंस लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो आकाश सर से ये पूछते हैं कि सर का परिचय क्या है, कहाँ से इन्होंने शुरू किया, इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, वो उसके बारे में सब बातें बताएंगे। सर, सर प्लीज़। नमस्ते सर। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जो है ये प्लेटफॉर्म दिया, ताकि मैं मेरी पूर्व सेवा जो लेब असिस्टेंट है उनके स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनसे परिचय कर सकूं, और वो भी जो है इससे लाभान्वित हो सके। सौभाग्य है सर हमारा। मेरा नाम आकाश सैनी है, मैं पुष्कर से बिलोंग करता हूं जी सर। और मेरा सबसे पहले चयन 12th में 94% साइंस में थे, और उसके बाद मैंने लेब असिस्टेंट ये तैयारी शुरू की। BSTC परशुइंग, मतलब BSTC में कर रहा था। BSTC परशुइंग के दौरान ही जो है मैंने 2016 का जो लेब असिस्टेंट एग्जाम हुआ, जो सबसे पहले लेब असिस्टेंट एग्जाम वैकेंस पेपर के थ्रू वो हुआ, उसमें मैंने ऑल स्टेट 55वीं रैंक जो है ऑल स्टेट प्राप्त की। अजमेर जिले में मेरी सेकेंड रैंक थी। अच्छा। अजमेर जिले में सेकंड रैंक होने के कारण मेरा जो गांव का स्कूल था उसी में मेरी पोस्टिंग हो गई। मैं कड़ेल से हूँ बेसिकली, अजमेर पुष्कर के पास छोटा सा गांव है कड़ेल, उससे तो वहीं मेरी पोस्टिंग हो गई 14 फरवरी 2018 को। अच्छा। देखिए साथियों, सर ने ये बताया हमें कि मैं सर से एक सवाल पूछता हूँ। सर, 12th में सब्जेक्ट कौन सा था आपका? 12th में मेरे मैथमेटिक्स, मतलब साइंस स्ट्रीम से मैं हूँ। मैथ से थे तो फिर बायोलॉजी में दिक्कत नहीं हुई आपने एग्जाम में? जी सर, बायोलॉजी में तो जो है मैंने, मतलब जो NCERT है, हाँ। केवल NCERT को ही फोकस किया, हाँ। और बायोलॉजी की जो भरपाई है, कंपेंसेशन है, मैंने GK वगैरह और फिजिक्स में करने की कोशिश की, क्योंकि अच्छा। मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था, हाँ। तो मैंने उसका कंपेंसेशन दूसरे सब्जेक्ट से किया। अच्छा। और मतलब इतने आप उस समय इतने प्रतिभाशाली, 55वीं रैंक और 2016 का जो पेपर है, और आप विद्यार्थियों को नहीं पता होगा, मैं बता दूं, उस समय जो पेपर आया, आज का नीट का और IIT का पेपर नहीं है ना, उससे भयंकर पेपर वो था। जी ऐसा सर। था क्या सर? जी सर, बायोलॉजी में मतलब NCERT पूरी पढ़ रखी थी मैंने, हाँ। उसके बावजूद भी जो है 30 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस को ही मैं टच कर पाया, मतलब 3 क्वेश्चन ही मेरे सही हुए थे, हाँ। 3 ही किए थे और तीनों सही थे। अच्छा। और उसके बाद भी 55, मतलब 55वीं रैंक का जो है, क्योंकि 27 क्वेश्चंस में तो मैं जो है उसको टच ही नहीं कर पाया। ये जी सर। और सर, मतलब आप लोगों ने इसको तैयारी करने, लैब असिस्टेंट आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपका जो पूरा सफ़र स्कूल में किस प्रकार का रहा? टाइम मिला पढ़ने के लिए या आगे की पढ़ाई आपने की, फिर क्या किया गया? जी सर, देखिए, लैब असिस्टेंट में हमारे टाइम जो है अलग अलग, जैसे FSL में भी जा सकते थे, एग्रीकल्चर कॉलेज में लैब असिस्टेंट, स्कूल एजुकेशन में, तो मैंने रैंक अच्छी थी तो कोई सा भी मिल सकता था, लेकिन स्कूल एजुकेशन चुना, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में 5-6 घंटे के बाद का टाइम हम मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। दूसरी थिंग जो है ये है कि स्कूल एजुकेशन की वजह से जो है हम पढ़ाई के अगर आगे स्टडी करना चाहते हैं तो उसके टच में रह पाएंगे, तो इसलिए मैंने स्कूल एजुकेशन को उसमें प्रेफर किया। मतलब स्कूल में आप लोगों जो आपका जो जॉब प्रोफाइल था वो किस प्रकार का था? मतलब यूँ कई बच्चों को इस तरह से लगता है कि इसमें सम्मान की कहीं कमी, ऐसा है क्या कहीं? मैंने ऐसा जो है 2018 फरवरी से लेके और जनवरी 2024 तक, हाँ। मतलब लगभग 6-7 साल का टाइम हो गया, इसमें कभी ऐसा फील नहीं किया। अच्छा जी। सर का सबसे पहले हमारे पास जो लैब असिस्टेंट में चयन हुआ, उसके बाद पटवारी भी ये लगे, परंतु पटवारी की नौकरी भी इन्होंने ज्वाइन नहीं की, जो नौकरी आज के समय में इस तरह से मानी जाती है कि जहाँ पर पैसों की बहुत अच्छी इनकम है, फिर भी सर ने ज्वाइन नहीं किया। सर उसके बाद रीट के अंदर जो है आपके L1 टीचर लगे थे, उन्होंने फिर भी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इनके इरादे जो थे वो फौलादी थे, इनकी नज़र कहीं और टिकी थी। उसके बाद सर आप 2022 व्याख्याता भर्ती के अंदर इतिहास से, जी सर,
वर्तमान में किस पद पे है, सारी बताएंगे। वर्तमान में मैं इतिहास से व्याख्याता पद पे हूँ। हाँ। और पाली से मेरा पता नहीं कौन सा विशेष कनेक्शन रहा कि रीट जो 2018 थी उसमें भी मुझे पाली डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था। देसूरी में पोस्टिंग हुई थी तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। और अभी वर्तमान में 2022 वाली स्कूल लेक्चरर में हिस्ट्री से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। अभी और आगे सर के अभी तो क्या नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान बाकी है। वर्तमान में सर ने इस बार आरएस का मेंस भी दिया है और आई एम 100% श्योर सर से जो हमारी मुलाकात रही अभी तक की और हम जब मिले हैं, इतने प्रतिभाशाली है कि इस बार जो आरएस का एग्ज़ाम भी है वो फाइनली ये इस बार एसडीएम बन के आएंगे, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएँ हैं। और सर आगे क्या आपके जीवन में कुछ और सोच रखा है क्या, कुछ बताओ बच्चों को। जी सर, मेरा टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। जैसे मेरा अभी रजत खंडेलवाल जो हाँ, चैनल है आपसे, तो उस हाँ। पे एक दो टीचर्स वगैरह ने भी देखा मेरे जो पुराने नॉन थे। हाँ। और मैं हॉस्टल में पढ़ा हुआ हूँ, 9 से 12 तक मैंने स्टडी कुचामन से की। तो जो स्टूडेंट्स थे उनका फ़ोन आया, उन्होंने देखा काफ़ी टाइम बाद में, तो उन्होंने कहा यार आकाश तू तो 10th में भी हमको हॉस्टल में साथ लेके पढ़ाता था, 11th 12th में भी पढ़ाता था। तो मेरी टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, तो सर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे आप? जी सर, ट्राई करूंगा मैं। हाँ। कि इनको अच्छे से मोटिवेट कर सकूं। बिल्कुल। और सर जब जब भी सबको समय मिलेगा, हमारे जो करंट अफेयर सर भी पढ़ा रहे हैं, सर आपको भी पढ़ाएंगे। और नौकरी के साथ पढ़ाई के अंदर क्या चैलेंजेस है या पढ़ सकता बच्चा तैयारी करने के साथ साथ? स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। अच्छा। तो जैसे स्कूल में अभी 10 शीतकाल में समय चेंज हुआ है, तो अभी सुबह का जो टाइम है उसमें 4-5 घंटे अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। तो मैं यही करता था कि सुबह जो है 4-5 घंटे, और सुबह अगर अपन ने क्वालिटी स्टडी की है तो 4-5 घंटे डेली अपने लिए बहुत है। 4-5 घंटे में हमारे को, तो जब मैं लेबर असिस्टेंट लगा था तो उस टाइम किसी जॉब में नहीं था। अगस्त में वैकेंसी आ रही है, 13 नवंबर 2016 को पेपर ले रहे हैं, दो एक महीने का जो है टाइम मिल रहा है। तो उसमें भी जो है मैनेज करके टाइम को कैसे, 16 उतनी पढ़ाई कभी नहीं की लाइफ में ऐसे लगता है कि कैसे 15-15, 16-16 घंटे जो है मैनेज किया था। और उस समय बहुत बड़ी भर्ती भी थी और 55 भी रैंक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी सर। और मतलब एक सवाल आपसे ये भी है कि जैसे आपका जो है, हर व्यक्ति के खुद के कुछ प्लस होते हैं और माइनस होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप किस तरह से यूं मतलब बैलेंस करके चलते हैं सर? स्ट्रेंथ तो सर ये है कि जैसे जो स्टडी है, पढ़ना है, वो मेरी लाइफ स्किल में आ चुका है। मतलब जीवन कौशल की पढ़ना है, मतलब ऐसे पढ़ाई के अलावा सब कुछ ऐसे खालीपन सा लगता है अब। अच्छा। और वीकनेस है कि इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ा, मतलब खुद के विचारों को जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। कोई हॉबी वगैरह आपकी सर? हॉबी सर टीचिंग ही हॉबी है थोड़ा बहुत, बचपन में थे जब क्रिकेट जरूर खेलते थे तो वो भी अब थोड़ा वो भूल चुके हैं। अच्छा। बाकी हॉबी टीचिंग में ही रही है। मतलब हर कोई नॉर्मल स्टूडेंट जो है, जो गाँव का है, ढाणी का है, घर पे बैठ के पढ़ रहा है, क्या मतलब सरकारी नौकरी के अंदर लैब असिस्टेंट उसके लिए बन पाना आसान है या आपको क्या लगता है किस तरह से वो मैनेज करे कि लैब असिस्टेंट बन जाए वो? जी सर, मैं इसके लिए मेरे गांव का ही एग्जांपल देना चाहूँगा। हाँ। कि जब मेरी जॉइनिंग हुई थी मतलब 2016-17 में, तो गांव में इस तरीके का माहौल था कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो लगती ही नहीं है, मतलब इस तरीके का माहौल था। आज भी अगर मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि उनको यही लगता है कि गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत टेढ़ी खीर है, ऐसा ही हमारे गाँव में लगता था। और जैसे ही हम लगे, मेरे एक दो बैचमेट और लगे साथ में, जैसे मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी लगा था, तो उसके बाद गाँव में इस तरह की लहर बनी कि जब भी रीट की भर्ती होती है तो 4-5 लगते हैं। अभी जैसे थोड़े दिन पहले कांस्टेबल की भर्ती हुई तो 5-6 मतलब कांस्टेबल बने हैं, उससे पहले लगभग 10-12 साल तक ऐसे लगता है मुझे कि सूखा ही था, मतलब जॉब में सूखा था। लेकिन एक एटमॉस्फियर क्रिएट हो गया है। एटमॉस्फियर किसका है कि जॉब्स का, दूसरे जो स्टूडेंट्स है वो एक रोल मॉडल का काम कर रहे हैं दूसरे। हाँ, स्टूडेंट्स लग चुके हैं उनसे, उनको नए बच्चों को प्रेरणा मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है। और लगभग 10-12 के आसपास जो है आराम से, और टीचिंग लाइन में ही लग चुके हैं 10-12 से, तो और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। मतलब एक बच्चों का सवाल ये रहता है कि जो लैब असिस्टेंट हम लोग बन गए, बनने के बाद कई बच्चों का देखो उत्तरोत्तर प्रगति सब चाहते हैं, जैसे आपने भी उत्तरोत्तर प्रगति की है, अभी भी उस पथ पे और आगे बढ़ रहे हैं आप, आगे लैब असिस्टेंट बनने के बाद करियर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस उनके पास हो सकते हैं और किस तरह से वो मैनेज करके चले?
जैसे स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन में लैब असिस्टेंट बनेंगे तो एजुकेशन के टच में रहेंगे, तो एजुकेशन के टच में और कम उम्र में जॉब लगेंगे तो जोश तो बना हुआ है ही, एंथुजियाज्म तो है ही, और अगर उसी एंथुजियाज्म को अगर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन दे दी तो वो कहीं ना कहीं स्कूल एजुकेशन उसके लिए एक बेनिफिट का काम करेगी। और आगे जैसे मैं भी स्कूल लेक्चरर जो है लैब असिस्टेंट के पद पर रहता हुआ ही जो है मेरी स्कूल लेक्चरर भी बनाऊँ, तो और उसमें भी टॉप रैंक से बने आप। जी सर, ये अपने आप में बड़ी बात है। और स्कूल के अंदर जो हमसे लैब असिस्टेंट से ऊपर वाले पोस्ट वाले जो लोग होते हैं उनसे आपको कहीं पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, मोटिवेशन मिलता था, या ऐसे खराब लगता था, क्या था ऐसा? सर स्कूल में जैसे सब ऐसे मोटिवेट ही करते थे कि जो है आपको आगे बढ़ना है, ज्ञान नहीं रहना है। ज़्यादातर स्कूल्स में यही होता है कि जो जनरली लैब असिस्टेंट जो साइंस के लेक्चरर्स वगैरह है उनके टच में ही रहते हैं, क्योंकि 11 ट्वेल्थ का ही है, तो वो मोटिवेट करते रहते हैं और उनसे हमें जो है मोटिवेशन मिलती है। अब स्टूडेंट्स पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो उसको पॉजिटिव वे मिले या नेगेटिव मिले। अगर पॉजिटिव में लेंगे तो हम जो है उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। जी बिल्कुल सत्य बात है, और सर ने ये बहुत शानदार बात बताई है। और इसी के देखो 5-6 वर्षों के पूरे कार्यकाल के अंदर इनके पास एक तो पहले नौकरी भी थी, नौकरी का सैलरी भी थी, सेटिस्फेक्शन था, और सेटिस्फेक्शन के साथ एक अच्छा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी जहाँ पर प्रिंसिपल, लेक्चरर, इनके जो भी बड़े जो भी इनसे सीनियर्स थे इनको उन्होंने मोटिवेट किया। सर आज आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कल आप भी किसी और को मोटिवेट करोगे, तो ये सब कुछ होगा। सर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में जैसे आपके पिताजी चाचाजी भी पहले सरकारी नौकरियों में रहे हैं? जी सर, मेरे कोई सरकारी नौकरी में पूरे परिवार में कोई नहीं रहा था। राजस्थान में ऐसी बात करती है कि भाई 4-5 नौकरियां लगी है सर, कहीं ऐसे कोई आरपीएससी में कुछ इस तरह का तो नहीं है? नहीं नहीं जी। तो भाई देखो मेहनत से सब कुछ हो सकता है। नकारात्मक लोग हमेशा नकारात्मक बातें करेंगे, सकारात्मक लोग सकारात्मक बातें करेंगे। मेहनत से सब कुछ संभव है, आप भी मेहनत करें। और साथ साथ में मतलब एक और प्रश्न रहता है कि इसका जो पेपर है जीके वाला बच्चा जो है, देखिए इसमें दो तरह के बच्चे हो गए सर, एक तो जिसने 12th किए हुए 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब उसको जीके तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक बच्चा जो नीट और आईआईटी की तैयारी करके 1-2 साल पहले आया है, अब उसको बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स ठीक लग रहा है, तो इसको कैसे बैलेंस करें और किस तरह से पढ़ने का प्रयास करें? जैसे सर मैं तो जिस रैंक लगी तो मैं तो जीके में भी अच्छा था और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में भी अच्छा था। एक ऐसे ही मेरा फ्रेंड था जो उसने जीके में 50 में से 17-18 क्वेश्चंस ओनली हुए हैं। सर जो बता रहे हैं वो 2016 के अंदर पेपर पैटर्न के अंदर 100 प्रश्न तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हुआ करते थे और 50 सवाल राजस्थान जीके के थे। वर्तमान के पैटर्न के अंदर एक पेपर पूरा राजस्थान जीके, इंडिया जीके, एजुकेशन साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स का है, और दूसरा पेपर पूरा का पूरा आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जनरल साइंस के है, दोनों के अंदर 100-100 सवाल है सर प्लीज। जी सर, तो उसको देखता हूँ तो उसकी लगभग 92 के आसपास रैंक थी। अच्छा। जो एक अच्छी रैंक है अंडर 100 में, और जबकि जीके का जो है इतना कोई बैकग्राउंड था नहीं, कुशल नाम था तो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे कोई नीट का स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो है अच्छा स्कोर करेगा और जीके को हल्का सा मैनेज कर लेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको गैप हो गया है कुछ सालों का, तो उनके नेचुरल है जो है साइंस में जो है थोड़ा सा हो गया, तो वो जीके में जो है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में दे देगा। मतलब कितने घंटे पढ़े तो लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि अभी 1 वर्ष का समय है सर इनके पास? आई थिंक जैसे मेरे को तो 2 महीने का टाइम मिला था, तो मैंने तो जो है करो मरो की लड़ाई में 15-16 घंटे ऐसे, लेकिन अगर मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि 5-6 घंटे अगर स्ट्रेटेजी से अगर पढ़ा जाए 5-6 घंटे तो मोर देन सफिशियंट होगा सिलेक्शन के लिए। अच्छा। एक सर राजस्थान के अंदर इस तरह का भी माइंडसेट है कि बच्चा बोलता है कि मेरे को भी आरएसएस भी ने कैलेंडर जारी कर दिया, परीक्षा 1 वर्ष बाद में है, नवंबर में है अगले वर्ष, तो कई बच्चे बोलते हैं क्यों सर ने जैसे अभी बताया 2 महीने मैंने पढ़ाई की, क्या ये तरीका ठीक है 2 महीने ही पढ़ना बाकी टाइम मजे करने हैं? स्टडी जैसे मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे लाइफ में आ चुकी है तो कंटिन्यूएशन नहीं टूटना चाहिए। भले ही अपन कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई शादी समारोह में जा रहे हैं, लेकिन अगर 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते रहना चाहिए, उससे कंटिन्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी तो जो है 16 घंटे पढ़ेंगे और 5-10 दिन 15 दिन तक पढ़ेंगे ही नहीं, तो वो ज़्यादा घातक है। कंटिन्यूएशन हो, 1 घंटे 2 घंटे ही पढ़ते रहे, लेकिन कंटिन्यूएशन ब्रेक नहीं होना चाहिए।
एक सवाल और भी सर मेरे जहन में आ रहा है कि मतलब जैसे दिवाली होली है उसको तो मनाना चाहिए कि उस समय भी पढ़ना ही चाहिए? दिवाली होली को जो है अच्छे से मनाना चाहिए। हाँ। वो तो हमारे जो है त्योहार है। हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जिस तरीके से बहुत सारे लोग माहौल बनाते हैं कि जो है दिन भर एक कोई कमरा ले लो और उसके अंदर पेक हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जब होता है जबकि करो मरो की लड़ाई लड़नी है, एक महीना ही बचा है, तो उस टाइम में जो है उन चीजों को बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी है, हमने स्ट्रेटेजी से जो है अटैक किया सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जो है होली भी मनाओ दिवाली भी मनाओ। मेरे तो लेबर असिस्टेंट का एग्जाम था, मेरे को याद है 13 नवंबर 2016 को, या उससे एक या दो दिन पहले माता जी का मेला था, तो मैं तो माता जी के मेले में जो है घूम के आया था। अच्छा जी सर, एक सवाल सर मेरे दिमाग में और आ रहा है कि जैसे अपन की जो तैयारी चल रही है, ऐसा कई बार लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे, इस तरह के भाव आते हैं, फिर क्या करना चाहिए किसी स्टूडेंट को? क्या मतलब नेगेटिव एनर्जी भी, देखो दिमाग में पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी आता है, तो उस समय कॉन्फिडेंस जब डाउन होने लगता है तब क्या करे बच्चा को? जी सर, देखो जैसे मेरा हिस्ट्री लेक्चरर के एग्ज़ाम का ही जो है मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मेरे हिस्ट्री में फर्स्ट डे पेपर था, उसमें 48 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 हुए थे सही, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर था। फिर भी मतलब जॉब में होने के बावजूद भी मैं घर पे आके रोया था कि जो है 48 क्वेश्चन ही हो रहे हैं यार, 60 की एक्सपेक्टेशन थी। तो पहले से ही जॉब में उसके बावजूद भी, अगर बोलना बहुत आसान है कि जो है चीज़ें ऐसे मैनेज कर लो ऐसे कर लो, लेकिन कभी कभी जो है इस तरह की चीज़ें हमारे ऊपर हावी होती है, लेकिन हमें उससे उभरना है, उभरना हमें पड़ेगा कि उसको किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी, जैसे बहुत बार पॉजिटिव एनर्जी का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मानता हूँ कि मैं तो जो है कोई इष्ट जो है मतलब मंदिर वगैरह उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मिली, तो उस दिन में जाके, अगले दिन मेरा हिस्ट्री का पेपर था, लेकिन मैं आराम से जाके जो है थोड़ा बैठा, पॉजिटिव एनर्जी ली और उसके बाद अगले दिन जो है हिस्ट्री का पेपर दिया। तो नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है, अंतिम समय तक जो है युद्ध में मैदान छोड़ के नहीं भागना है, लड़ते रहना है अंतिम टाइम तक। अच्छा जी सर, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद इस मरुस्थल से भी जल निकलेगा, सर ने ये कहा है। पश्चिमी राजस्थान से सर आते हैं, जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से अपन लोग देखा जाए तो खुद ही पूरा का पूरा हमेशा से इस तरह का रहा है, जहाँ पर चैलेंजेस हमेशा लाइफ में रहे हैं। अब बच्चे को कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, स्टडी किस तरह से पूरा मैनेज करना, थोड़ा बताइए सर इसके बारे में। कोचिंग का जहाँ तक सर मुझे लगता है पर्सनली, जैसे मैं तो खुद पे अगर लूँ, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं ट्वेल्थ में 94% थे और स्टेट मेरिट थी 14th, तो एक ट्वेल्थ का ही उसमें सिलेबस है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको स्ट्रेटेजी नहीं बनाना आता है, उनको चीज़ों को मैनेज करना नहीं आता है। अगर उनको चीज़ों को मैनेज करना नहीं आता है तो उनको निश्चित रूप से, अगर फर्स्ट बार तैयारी कर रहा है तो उसको कोचिंग बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो जाता है। जैसे उस टाइम हमारे टाइम में यूट्यूब नहीं होता था, कोई कोई से जो है यूट्यूब पर पढ़ाते थे, फिर भी मैंने बायोलॉजी जो है यूट्यूब से पढ़ी थी। कोचिंग तो आपको पता ही है 2016 में जो ऑनलाइन होते ही नहीं थे, तो इस तरीके से जो है मैंने सहायता ली। सर तो हमारे बच्चों को भी आप लोग अभी सर करंट अफेयर्स बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो सर आप हमारे बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ाना, और एक बार सर आप इनको वादा कर दो इस तरह का कि सर करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे और सर आपको बराबर गाइड करते रहेंगे। जी सर, और देखिए सब यात्राएं जो होती है, देखिए मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है, तो अपन की जो यात्रा है वो हमेशा सबसे अच्छी होती है। जब आप कल मंजिल पे पहुंच भी जाएंगे, सर जिस दिन सेलेक्ट हुए उस दिन किस तरह का भाव रहा आपका, खुश हुए क्या हुआ? सर देखो आज तक डेट्स याद है तो इससे बड़ी, और 14 अगस्त 2017 को जो है रिजल्ट आया था, तो डेट्स याद है तो आप खुशी को, तो जो है पटवारी का रिजल्ट जो है 1 जून 2017 को आया था फाइनली, जो मेंस के बाद का, तो जी सर, और उनके तो रोल नंबर्स तक याद रहते हैं, तो खुशी क्या होती है, वो तो जो है रोल नंबर्स अब तक याद रहना, 6-7 स्कूल लेक्चरर के रोल नंबर अब याद नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट जॉब लगती है उसके रोल नंबर निश्चित रूप से हमें याद भी रहते हैं, इस तरीके से डेट्स भी याद रहती है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो क्या सबके रिएक्शन किस तरह के थे, फादर के मदर के या परिवार के सब लोगों के? मैं सर जैसे 55वीं रैंक लगी थी तो पहले से ही ऐसा आभास तो था कि जो है निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि रैंक बहुत अच्छी थी, तो पहले से ही आभास था, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि आसपास में जो है गांव में इस तरीके से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी कि यार जॉब्स तो लगती नहीं, ऐसे सिचुएशंस में जो है जॉब लगना
अपने आप में बहुत बड़ी बात। देखिए सर, सब विद्यार्थी जो हमसे देख रहे हैं, आप सबसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन लैब असिस्टेंट के यहाँ पर बैच अभी अनाउंस कर चुके हैं, यहाँ चल रहे हैं। सर के ही एक मित्र और भी है, हमारे भी मित्र हैं, जिनका नाम है ओम प्रकाश जी। वो भी वर्तमान में जिला उद्योग अधिकारी है, वो भी लैब असिस्टेंट की यात्रा से 4-5-6 नौकरियां लगाकर अभी पहुंचे हैं। उनसे भी हम लोग आपसे मुलाकात करवाएंगे। जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि आज के समय में नौकरी का क्या महत्व है, सर आप इसको किस तरह से देखते हैं? सरकारी नौकरी मतलब जरूरी है या क्या है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं सर? आपको तो पता ही होगा सर कि गवर्नमेंट जॉब जनरली लोग स्टेटस सिंबल उसको जो है मानने लग गए हैं, तो उस तरीके से जॉब का तो अलग ही लगता है, बड़ा महत्व है। जी सर, और मेरे को यहाँ ऐसे लगता है कि स्टडी से इजी कोई काम मेरे को लगता नहीं है। अच्छा। कि स्टडी पढ़ना, अब दूसरा कोई भी काम अगर अपन देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। पढ़ने में क्या स्ट्रगल है, इस बचपन से फर्स्ट क्लास से जो है हम पढ़ते हुए आए हैं, तो बस उसी को कंटिन्यूएशन रखना है। बस कंपटीशन की तैयारी में एक ही चीज़ ध्यान रखना, स्ट्रेटेजी। अगर हम जैसे 11th 12th का एग्जाम नहीं है कि भाई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई और बुक्स जो है कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, यहाँ स्ट्रेटेजी का पूरा गेम है। नॉलेज पे भी बहुत बार जो स्ट्रेटेजी हावी पड़ जाती है कि किस तरीके से किन चीज़ों को हमें छोड़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है। जैसे मैंने बायो को जो है 27 क्वेश्चंस को टच ही नहीं करा, लेकिन फिर भी मैंने पेपर देखते ही ये लग गया था मेरे को। जैसे मेरा एक फ्रेंड का भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसने ये बोला कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा। मैंने कहा कि ये बायो जिस हिसाब की मेरे को लग रही है सिलेक्शन नहीं, 40 क्रॉस कर जाना बस। तो 40 क्रॉस हो गए, 40 या 50 के आसपास जो है बन गए, तो उससे वो चीज़ है सर। मतलब सर ने जो बात बोली है कि रणनीति सबसे जरूरी है, मैं हमेशा एक बार कहता हूँ कि बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। जी सर, रणनीति होना जरूरी है। जी सर, और स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे स्टूडेंट्स को ऐसे रहता है कि लेबर असिस्टेंट बनने के बाद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे या वहीं रह जाएंगे, ये सबसे बड़ा जो है डाउट्स रहता है। तो मैं कहना चाहूँगा हर स्कूल में, मतलब 2-3 या ज़्यादातर स्कूल में, जैसे मेरे को तो सब आगे मोटिवेट करने वाले मिले, लेकिन ऐसे कोई स्कूल राजस्थान की होगी नहीं जहाँ कोई ऐसा टीचर नहीं मिले जो कोई बढ़ती हुई प्रतिभा को जो है और ज़्यादा पल्लवित पुष्पित करने का कार्य करे। तो मेरे एक सर थे विकास जी सर, तो मैं शुरू में गया तो जॉब लगी थी और ऐसे लगता था कि अब क्या करना है यार, जॉब लग गई वो तो बहुत गांव में किसी की लगी नहीं, गांव में पोस्टिंग हो गई, कहीं बाहर पोस्टिंग होती तो अपन सोच ही सकते हैं। तो एक दो बार जैसे लंच वगैरह में मैं भी हताई करना बोलते हैं, हताई करने स्टाफ वगैरह के, तो उन्होंने मेरे को डांटा कि ये हताई करनी है या 94% का बच्चा है 12th में या आगे बढ़ना है। तो उसी दिन से जो है मैंने सोच लिया कि जो है हमें आगे बढ़ना है, निरंतर जो है उनका मोटिवेशन मिलता रहा। बीएड भी की इस सर्विस के दौरान ही, बीए भी किया है, बीएड भी, पीजी भी की है और बीएड भी किया, पूरी स्टडी जो है सर्विस के दौरान जो है हुई है। ज़्यादा चैलेंजेस तो नहीं रहे सर पढ़ाई साथ में करने में? इस तरह से एक्टिव नहीं लगता था कि बस कैसे पढ़ाई करूँ, क्या करूँ, सैलरी तो आ रही है अब ठीक है यार मजे करूँ? वो सर शुरू में ऐसा लगा था, लेकिन वो सर ने जैसे जिस तरीके से मेरे को कहा तो फिर मैं जो है सही वापस ट्रैक पे आ गया था। अच्छा, मतलब आज के समय में एक प्रॉपर गाइडेंस का, एक मेंटोर का होना सबसे जरूरी है। जी सर, चाहे मेंटोर स्कूल में मिले, चाहे फादर के रूप में मिले, चाहे जैसे एक टीचर के रूप में आपके रूप में मिले, या किसी के भी फ्रेंड के रूप में मिले, मदर के रूप में मिले, सिस्टर के रूप में मिले, कैसे भी जो है एक मेंटोर हो सकता है, लेकिन एक मेंटोर का जो है होना बहुत जरूरी है जो कि हमें निरंतर प्रगति के पथ की ओर आगे अग्रसर कर सके। एक सवाल बच्चों का ये भी है, कई बच्चे बीए कर रहे हैं या एमए भी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, वो भी इसकी तैयारी करें या उसको इसको स्किप करना चाहिए? किस तरह से ये ठीक लगता है आपको कि भाई आगे जॉब करनी चाहिए पहले या हमेशा बड़ा ही सपना रखें कि मैं तो नहीं आईएएस बनूंगा, आरएएस बनूंगा या प्रोफेसर बनूंगा, या इस एग्ज़ाम को भी देना चाहिए? इस क्वेश्चंस का तो जैसे सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है दो तरह के मत हो सकते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत मत है यही है कि जो है सबसे पहले आज के इस कंपटीशन के ज़माने में अगर जॉब लग रहे हैं अपन, तो उसके बाद भी अगर टैलेंट है तो आगे उन चीज़ों को मैनेज करके और जो भी बनना है वो बन सकते हैं। जैसे मैंने इस बार आरएएस का मेंस दे रखा है, तो इस तरीके से जो है पिछली बार थोड़ा बीमार हो गया था तो कुछ इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ इस तरीके के रहे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी की जरूर इस तरीके की एक्सक्यूज़ है, मतलब ये। अच्छा। हम खुद पढ़ सकते हैं, बस उठना पड़ेगा सुबह, मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब के साथ मैनेज करना और ऐसे मैनेज करना थोड़ा तो जो है डिफरेंस है, लेकिन किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है अगर हम में जो है जज्बा है, जोश है।
मतलब कुल मिला के आप पढ़ाई जो कर रहे हैं, सिलेक्शन एक बार आप ले लीजिए, सिलेक्शन के बाद आप लोग जब जॉब कर रहे हैं तो जॉब में छुट्टियां वगैरह भी मिलती है पढ़ने के लिए, ले सकते हैं क्या सर? जी सर, छुट्टियां तो जैसे इतनी एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो अभी जैसे मध्यकालीन अवकाश आ रहा है, शीतकालीन अवकाश आ रहा है, गर्मी की छुट्टियां आ रही है, और एग्जाम भी जनरली जो है छुट्टियों के इर्द गिर्द ही होते हैं। छुट्टियों के इर्द गिर्द होते हैं तो इजीली बस कंटिन्यूएशन रखना है, रोज 3-4 घंटे जो है, 4-5 जो भी, 2-3-4 घंटे जो है पढ़ना है, बस कंटिन्यूएशन रखेंगे तो लास्ट में जो है चीज़ें हम पे हावी नहीं होगी, नहीं तो हावी होगी। और एक बार पढ़ाई इसकी अगर हमने छोड़ी तो बस वो उसी छोड़े हुए चले जाएंगे कि हमारे तो जॉब लग गए, उनको क्या करना है, वो वाली चीज़ें हैं। देखिए सर, बहुत मतलब शालीन व्यक्ति है, जिन जिन सबसे मिला मैं, इनसे बातचीत की तो मुझे बहुत शानदार व्यक्ति लगे, और आप सबसे मिलाने का भी मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोग इसको पूरी यात्रा को देखें। सर निश्चित तौर पे शुरू से ही मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं, क्या औसत विद्यार्थी भी सर सिलेक्शन ले सकता है? जी सर, मेरे साथ के बहुत सारे औसत स्टूडेंट्स भी जो है लेबर असिस्टेंट बने, थोड़ा सा डिफरेंस ये आ सकता है कि मान लो कम टाइम मिला तो मैं शुरू से ही जो है अच्छा स्टूडेंट था तो रैंक अच्छी आ गई, बाकी औसत सिलेक्शन सिलेक्शन होता है, चाहे रैंक हो चाहे क्यों हो, तो बनना तो लेबर असिस्टेंट ही, तो औसत स्टूडेंट्स भी इजीली जो है कर सकते हैं। जी सर, बहुत शानदार बात बताई है सर ने कि आप लोग जिनको जीवन के अंदर जॉब चाहिए, जिनको लगता है ऑक्सीजन मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर नौकरी मिले ये ज़रूरी बात है, उसके लिए बहुत शानदार ऑप्शन है ये। और इसमें आगे आने वाले समय के अंदर सर ने जो उत्तरोत्तर प्रगति की है उससे आप भी प्रेरणा ले सकते हैं, और इस जॉब को आप लोग कहीं कमतरी के भाव से नहीं देखें। और इसके लिए सर आपको लगातार यहाँ पर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको गाइड करते रहेंगे, हमारी पूरी टीम आपको गाइड करती रहेगी। और सर से आपके और भी कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, हम लोग सर से एक बार और टाइम ले लेंगे, सर का खुद का बहुत बिजी शेड्यूल है, जब वर्तमान में व्याख्याता इतिहास है, करंट अफेयर्स भी हमारे रजत खंडेलवाल एक चैनल हमारे और भी सर के साथ चल रहा है, जहाँ पर प्रथम श्रेणी जो अध्यापक है यानी ग्रेड फर्स्ट टीचर्स के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करवा रहे हैं सर। और आप लोग जो है सर से देखिए हमेशा ध्यान रखना, कोई भी छायादार वृक्ष है उसकी छाँव में जब हम लोग बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पे दिखेंगे ही दिखेंगे, वही कार्य सर भी कर रहे हैं। और आप लोगों को भी ये यही रूप में देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप भी समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में, एक बहुत शानदार गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में कार्य कर पाएँ। सर आप बच्चों को लास्ट संदेश के रूप में क्या कहना चाह रहे हैं सर? जी सर, मेरा तो सभी स्टूडेंट्स को जैसे एक मत था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लेबर असिस्टेंट की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, या आगे उनको इस तरीके से डाउट्स रहते हैं कि हम जो आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो मैं भी एग्जांपल हूँ और मेरे साथ के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो इसका एग्जाम्पल। बस हमें जिस तरह एक कोटेशन के माध्यम से कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, घर से निकले नहीं, अर्थात जिन्होंने तैयारी अगर यहाँ इस संदर्भ में देखे तो तैयारी शुरू नहीं की, तो देर है तो बस तैयारी शुरू करने की है। एक बार अगर हमारी तैयारी शुरू हो गई और हमारा कंटिन्यूएशन बना रहा तो कोई सी भी जॉब मेरे को लगता नहीं है कि जो हमें जिसको हम एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, बस घर से निकलना पड़ेगा, तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। इतनी शानदार बात बोली है कि गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी घर रोई तो रोती ही चली जाती है, नेक काम में देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, अब आपको देर नहीं करनी है, तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम के अंदर हम लोग आपको लगातार गाइड कर रहे हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस के नए बैच भी शुरू हो रहे हैं, इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी जा सकते हैं जहाँ पर कुछ फ्री नोट्स भी अवेलेबल है, बुक्स के माध्यम से भी हम लोग आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और बाकी कोई भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में भेजते रहिएगा। आकाश सैनी सर से मैं एक बार और आपसे मुलाकात कराऊंगा, अभी के लिए आकाश सैनी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना जो कीमती समय हमारे साथ साझा किया सर। थैंक यू सर कि बच्चों से मिलने का, स्टूडेंट से मिलने के लिए मेरे को मंच प्रदान किया। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू।